Like that. आज की स्टोरी है टीवी की फेमस एक्ट्रेस रूपल त्यागी की, जिन्हें सबसे बड़ी पहचान सपने सुहाने लड़कपन से मिली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी सारी बातें और साथ ही जानेंगे इनके बॉयफ्रेंड के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूपल का जन्म 6 अक्टूबर 1989 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ। रूपल ने अपनी स्टडी सोफिया हाई स्कूल बेंगलोर से ही कंप्लीट की। रूपल की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनका एक छोटा भाई है। रूपल को बचपन से ही डांस करने का काफी शौक था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने श्यामक डावर्स डांस इंस्टीट्यूट बेंगलोर से डांस सीखा और फिर डांस सीखने के बाद ये 16 साल की उम्र में ही मुंबई आ गई थी। रूपल को अपने मॉम डैड का फुल सपोर्ट मिला, जिससे ये आगे बढ़ती चली गई। मुंबई आने के बाद रूपल से एक कोरियोग्राफर ने बोला कि आप मुझे बॉलीवुड में असिस्ट करो, और वहीं से रूपल का बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री का सफर शुरू हुआ। रूपल ने कोरियोग्राफर को पूरे 2 साल तक असिस्ट किया। रूपल की पहली फिल्म थी चुप चुप के, और रूपल को काफी बड़े बड़े एक्ट्रेस को डांस सिखाने का मौका मिला, जैसे करीना कपूर, शाहिद कपूर। रूपल के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 16 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस को डांस सिखाया। उसके बाद उन्होंने पौनी वर्मा को असिस्ट किया। रूपल की आखिरी फिल्म थी भूल भुलैया, जिसमें इन्होंने ढोलना सॉन्ग पर विद्या बालन को डांस सिखाया। रूपल बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिर इनका रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। उसके बाद रूपल ने बहुत से ऑडिशन दिए और फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही हार जीत चलती रही। कहीं पर सिलेक्शन हो जाता था और कहीं पर नहीं भी हो पाता था। रूपल ने अपने करियर की स्टार्टिंग 2007 में शो हमारी बेटियों का विवाह से की। इसमें इन्होंने मनसा कोहली का रोल प्ले किया। इसी के साथ इन्होंने कई टीवी शो में काम किया, जैसे कसम से दिल मिल गए, रूपल झलक दिखला जा और डांस इंडिया डांस के मंच पर भी धूम मचा चुकी हैं। और फिर मिला 2012 में रूपल को इनकी लाइफ का बेस्ट शो सपने सुहाने लड़कपन के, जिसमे इन्होंने गुंजन का रोल प्ले किया, और यहाँ गुंजन और मयंक की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस शो से रूपल को काफी बड़ी पहचान मिली और फिर ये कई टीवी शो में नजर आई, जैसे शक्ति, अस्तित्व के एहसास की, लाल इश्क, करम युद्ध और रंजू की बेटियां, जिसमें ये बुलबुल रंजू मिश्रा के लीड रोल में नजर आई। बात करें इनके रिलेशनशिप की तो ये फिलहाल सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो फ्रेंड आज की स्टोरी में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रूपल त्यागी की स्टोरी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।